ये मुस्लिम वर्सेस एथियस्ट भाई, अगर आपने ना कैमरा बंद करना है तो कर लो बंद, ठीक है, कैमरा बंद कर लो अगर आपने करना है तो। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है जी आपके? हेलो जी, मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ट्रबल हो रही है। मेरा सवाल ये है आपसे, तो कुरान कुरान भी तो ये कहता है एक दिन क्यामत है कि सब कुछ फना हो जाएगा, ठीक है। तो जो उस दिन आप स्ट्रीम में ये कह रहे थे कि ये जो बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये जो हमारी यूनिवर्स है, ये इसकी जो यूनिवर्स का जो हमारा गैलेक्सीज है, इसके जो जिस गैलेक्सी में हम मतलब इसको वो कर रहे हैं, जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, तो हमारी जो गैलेक्सी खत्म हो जाएगी, इसके सियारे काफ़ी सारे सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा इसका, और काफ़ी सारे जो सियारे हैं वो मर जाएंगे। तो कुरान भी तो ये कहते हैं एक दिन क्यामत आएगी तो सब फना हो जाएगा। तो आप इस बारे में, एक तो कुरान तो भी सच बोलता है ना, तो सब दुनिया एक दिन फना हो जाएगी, सब फना हो जाएगा, तो कुरान से तो ये बात सच सच साबित हो गई ना कि क्यामत आनी है, क्यामत आएगी, लाजिम आएगी एक दिन। तो क्यामत में वैसे होगा क्या, मुझे ये तो बताएं। क़यामत में यही है ना कि अल्लाह पाक कहता है कि कुरान मजीद में कि पहाड़ जो है वो रुई की तरह उड़ने लगेंगे, और सूरज जो है वो भी सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ अल्लाह की एक शान है वो बाकी रहेगी, ठीक है। नहीं, क्यामत तो में क्या अल्लाह ही होगा है यार, जो सब मुझे एक बात बताएं ना। पहली बात तो मुझे ये बताएं, क्यामत का सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है? आप आज मर गए, क्यामत वाले दिन आपके साथ क्या होगा, मुझे ये बताएं। सर, ये अल्लाह पाक ने दुनिया का निज़ाम बनाया है, जिस हम गैलेक्सी में रह रहे हैं, तो ये सब खत्म हो जाएगा ना, ये सब यार गैलेक्सी एक दिन मुझे खत्म ये हो जाएगी। बताएं कि आज आप मर गए, क्यामत वाले दिन आपके साथ क्या होगा? हिसाब किताब होगा ना हमसे कि हमने क्या आप अच्छा जिंदा किया, होंगे क्या बुरा दोबारा? हमने आप किया। दोबारा जिंदा होंगे? आप बिल्कुल दोबारा जिंदा होंगे? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, होंगे, क्यों मगर नहीं जो होंगे मैंने यार। बात की है ना, जो मैंने बात की थी उसमें आपके दोबारा जिंदा होने का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ठीक है? इसलिए ये आपकी सर क्यामत है ना, नहीं अल्लाह है, पाक ठीक क्या है? बुक होंगे ना। नहीं, अल्लाह पाक की बात नहीं है ना, मुझे एक बात बताएं। मैंने तो ये बात की, अल्लाह मियाँ कहाँ के मुर्दे जिंदा करेगा, जमीन के? अल्लाह बिल्कुल, वो जो मियाँ एक बार की पैदा कर क्यामत सकते हैं वो जमीन पे दोबारा पैदा कर आएगी? सकते हैं क्यामत के ना, दिन अल्लाह पाक घर किधर आएगा, बैठ। जमीन पे होगा, आसमान पे होगा? मुझे बताएं जरा। ये जमीन और आसमान पे पूरी कायनात, कुल कायनात में अच्छा, ये रहेगा नहीं मुझे इंसान। ये बताएं कि फिर बात ये है कि हम तो सिर्फ जमीन की बात करते हैं ना, तो क्या मरीख पे भी ये अल्लाह पूरी का तख्त कायनात लगा की होगा बात फिर? की है, कुल्लु मन अलैहा फान ओ वयबका यार, वजहु मेरी रब्बिका मेरी जुल जलाल बात का वल सवाल का इकराम। जवाब दें यार, एक मिनट एक मिनट, मेरी बात का सवाल का जवाब दें। सर मैं वही ये तो बता रहा हूँ, आप कह आपने रहे हैं अच्छा ना, सवाल किया, मैं भी आपको ओहो जवाब दे एक रहा हूँ मिनट एक कुरान मिनट, कहता ओ है भाई कुल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले मेरे सवाल का जवाब दो फिर आगे चलेंगे। ये नहीं है कि आप ऐसे जी खामखा जी बीच पूछे, में टोक रहे हो, पहले मेरी बात तो सुने आप। मेन बात जी ये जी आप है कि पूछ। क्या रसूल अल्लाह ने क्या बताया था कि जी इतने बोले सियारे बोले, और हैं, इतनी कहकशाएं और हैं, रसूल अल्लाह ने बताया था? सर रसूल आपके अल्लाह पास ने स्ट्रॉन्ग क्या? एविडेंस है कि इतनी गैलेक्सीज नहीं, मुझे एक, हैं मुझे भी आप, मैं आपको जिन्हें एक, आप मैं जी आपसे रहे जो हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा आप हूं इतिहास वो जी रहे बताएं। हैं। एक मिनट यार, म्यूट करूंगा फिर ना कहना मुझे, ठीक है? पहले मेरी बात सुन ले, मेरा क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुआ, आप बीच में टोक रहे हैं। मैंने आपसे पूछा है क्या रसूल अल्लाह ने आपको बताया था कि कोई कहकशां भी है, कोई गैलेक्सी है, बताया था? बताया था? ब्लैक सर होल के बारे कुल्लू में मन रसूल अल्लाह ने अलैहा बताया फान, था? कुल्लू मन अलैहा सर, एक बिल्कुल मिनट, मैं बता रहा मेरा हूँ। जो सवाल है वो बताएं, मैंने वो आपको म्यूट किया, मुझे ये बताएं रसूल अल्लाह ने गैलेक्सी और ब्लैक होल के बारे में बताया था, हाँ या नहीं? रसूल अल्लाह ने गैलेक्सी और चलो आप ब्लैक भी होल तो के बारे सुन में रहे हैं बताया मेरे भाई, था? आप भी तो सुने ना मेरी बात सुने, मेरे क्वेश्चन का तो जवाब दें। आप क्वेश्चन को डॉज कर रहे हैं और अपनी सर। बात करे जा रहे हैं। गैलेक्सीज मुझे आप ये सेल बताएं के पेट में रसूल जा अल्लाह रहे ने हैं, गैलेक्सी, मैं तो साइंस में ही जाऊंगा ना, मुझे पहले ये साबित करें कि रसूल अल्लाह को गैलेक्सीज के बारे, ब्लैक होल्स के बारे पता था या नहीं था, हाँ या ना, मैं जवाब सर देना। सर कुल कायनात के अंदर सब कुछ आ जाता है ना, कुल कायनात नहीं, में कुल सर, कायनात तो कुल बहुत कायनात में वाइड सब वर्ड है कुछ आ ना, जाता है ना, मसला ये नहीं है यूनिवर्स ना। के मैं, अंदर। आप कहेंगे मुझे कुल कायनात के बारे में पता है, तो मैं आपसे फिर कुल कायनात में से दो तीन चीजों का पूछूंगा तो उसका पता है। जब आप उसका जवाब देंगे तो फिर मैं इस क्वेश्चन को एक थोड़ी कंसिडरेशन दूंगा कि हाँ शायद इसको औरों का पता हो, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ दो बातें, क्या ब्लैक होल और गैलेक्सीज सर के बारे में आप रसूल ये अल्लाह को पता बताएं, था? सर मैं यहाँ पे एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा आपसे, आप माइंड नहीं 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 आप पहले कीजिएगा, मेरे क्वेश्चन का मुझे आप जवाब ये दे बताएं देंगे, आपने फिर जो पहले काउंटर एक चीज क्वेश्चन बोली कर थी कि लें। अंजान भाई सुर ये लो बात या नहीं मुर। होगी, इस तरह नहीं होगी, मैंने फिर म्यूट कर दिया है। मैंने आपसे, आप कह रहे हैं कि कुल कायनात की बात आ गई, भाई कुल कायनात की बात आप मानते हैं ना, मैं नहीं मानता। अब आपको मुझे साबित करना है, ठीक है? मुझे साबित करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या रसूल अल्लाह को ब्लैक होल्स का, गैलेक्सीज का पता था? अगर पता था तो फिर देखते हैं, फिर
फिर आगे डिस्कशन चलेगी, वरना इस तरह तो कोई फायदा ही नहीं है। आप सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, मैं अब उन दावों का सबूत मांग रहा हूं। हाँ जी सर, मैं आपको इन शॉर्ट जैसे अकुल कायनात में गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, एवरीथिंग सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, आप समझे बात को जरा। हेलो, मैं तो ये कह रहा हूँ गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स का आज आपको पता है ना, रसूल अल्लाह को नहीं पता था 1400 साल पहले, मैं कह रहा हूँ नहीं पता सर। हेलो भाईजान, रसूल अल्लाह को जमीन का भी नहीं पता था कि वो गोल है। हाँ, मुसलमान हम कैसे माने जब हमने ब्लैक होल्स नहीं, आप माने नहीं ना, आप साबित करें ना कि उनको पता था। मुझे, मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, रसूल अल्लाह को नहीं पता था कि जमीन गोल है। एक मिनट, मुझे इस सवाल का जवाब दे, मैं आपको फिर म्यूट पर डाल रहा हूँ। मुझे, मैंने आपसे कहा कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, रसूल अल्लाह को नहीं पता था कि जमीन गोल है, ठीक है? रसूल अल्लाह को जरासीमों के बारे में नहीं पता था कि जरासीम होते हैं, जमीन गोल है ये भी नहीं पता था रसूल अल्लाह को, ठीक है? रसूल अल्लाह को कुछ नहीं पता था, बिल्कुल आप जैसे मेरे जैसे जाहिल आदमी थे, ठीक है? तो अब आपको साबित करना होगा ना कि उनको पता था चीजों का। आप कह रहे हैं पूरी कायनात पे क़यामत आएगी, इस बात पे एक सवाल कर सकता हूं? मुझे इजाजत नहीं, सवाल नहीं, पहले जवाब दे देना मेरा भाई, फिर जवाब सवाल भी कर लेना ना सर। मुझे जवाब तो देना है, मुझे बताएं ना कि क्या रसूल अल्लाह को जमीन गोल है पता था? आप हाना ही नहीं कर रहे, आप हाना ही नहीं कर रहे भाई। आप जो हैं, रसूल अल्लाह को आपकी बात को मान लेता हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, मान लेता हूँ कि आप सही कह रहे हैं, ठीक है? अब मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, अब आपने मुझे सेटिस्फाइड करना है उसके ऊपर, ठीक है? आपने मुझे सेटिस्फाइड, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, आपके के बाद इंसान दोबारा नहीं उठाया जाएगा, कोई जन्नत नहीं है, कोई दोजख नहीं है, कोई जहन्नुम नहीं है, मरने के बाद इंसान खत्म, ऐसे है ना? आप ये कहते हैं ना कि हमारा ये है कि बस अपनी लाइफ गुजारो, इंसानियत की खिदमत करो, खत्म, भाई यही कुछ है, ऐसे है ना? आपका आपका मोटिव यही है ना? तो यार आप बात करें ना, मेरे सवालों का आप जवाब नहीं दे रहे, तो मैं भी आपके सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। पहले जवाब दें सवाल का, पहले सवाल का जवाब दें, फिर मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, अपनी बात करें आप, क्योंकि आप सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे। डिबेट नहीं है ना भाई, डिबेट तो तब होती ना जब आप कोई मुद्दे पे बात करते हैं, आप एक पॉइंट पे भी नहीं आ रहे हो सर। मैंने किया फर्ज, मान लें कि आप सर, मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ दो मिनट के फर्ज के लिए सही कह रहे हैं, ठीक है? मैं दो मिनट के लिए फर्ज के मान लिया, अब मैं क्या आपसे एक काउंटर क्वेश्चन कर सकता? वो अब मेरी मर्जी है, मैं उसका जवाब दूंगा कि नहीं, क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, ठीक है? क्वेश्चन आप करें, मेरी मर्जी है, मैं जवाब दूंगा ना दूं। नहीं, ये फिर ऐसे नहीं देखना गालिब भाई, नहीं तो भाई पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे नहीं रहे हो, तो मैं आपके सवाल का क्या जवाब दूं? चलें करें आप जवाब, फंसने क्या लगना है आप यार, आपने मुझे फंसा लिया तो फिर तो कितना क्या होगा। चलें फर्ज कर लिया ना, चलें शुरू करें बात। सर मैं ये कह रहा हूं, मेरे फर्ज की फर्ज, ठीक है? मेरा सवाल ये, इंसान मेन जो इंसान की जिंदगी, आपने जो गैलेक्सीज निकाल डिस्कवर कर ली, ब्लैक होल्स डिस्कवर कर लिए आपने, बड़े बड़े सियारे डिस्कवर कर लिए, आगे भी डिस्कवरीज होंगी, इसको इंसानियत का, इस इंसानियत का इसका क्या फायदा, मुझे ये बताएं, इसको गरीब को क्या फायदा? इसका बहुत फायदा भाई, इंसानियत को इसका बहुत फायदा है। मिडिल क्लास तबके उसको इसका क्या फायदा है, मुझे ये बताएं। उसका इसका मिडिल क्लास तबके को भी बहुत फायदा है, साइंस की तहकीक का क्या आपको आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे ये बताएं, कुछ फायदा आपको फायदा हुआ है साइंस की तहकीक का या नहीं हुआ? मेडिकल के अलावा और क्या फायदा है, मुझे बताएं। नहीं, क्यों नहीं हुआ? ये तो जिस फोन पे बात कर रहे हो, मिडिल ईस्ट में रहते हो, घर मनी है। एक मिनट तो भाई, ओ भाई एक मिनट, ये लेक्चर अपना बाद में झाड़ना, पहले मुझे ये बताओ कि अब आप एक बात पे आ ही नहीं रहे हो, अब आप एक दूसरी तरफ चले गए। मैंने आपसे पूछा था रसूल अल्लाह को गैलेक्सीज का, ब्लैक होल्स का पता था, आपके पास इसका जवाब नहीं है, अब आप कह रहे हो साइंस की तहकीक का क्या फायदा? तो यार ये क्या क्या चावलों की बोरी के जरिए बातें कर रहे हो मेरे साथ? ये मोबाइल नहीं पकड़ा हाथ में हैं, या ये रसूल अल्लाह के नाड़े के जरिए बातें कर रहे हो मेरे साथ हैं, कि रसूल अल्लाह के नाड़े के कोने पे एक डब्बी लगाई या दूसरी नाड़े पकड़ी है और हम दोनों बातें कर रहे हैं आपस में? मुझे बताएं ना, ये फोन पे बात कर रहे हो ना, फोन पे कर रहे हो बात, या ये मुझे बताओ ना, ये क्या कोई जिब्राइल फरिश्ता आपने मेरे पास भेजा हुआ है जो मैं, मुझे और आपके दरमियान में रابطہ करवा रहा है?
मुझे बताएं ना, आप सवाल का जवाब दे ही नहीं रहे हो। आप मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका आप जवाब नहीं दे रहे हो। तो मुझे बताओ ना, फिर ये फोन का फायदा आपको नहीं हुआ? ये आप दुबई उड़ के गए और दुबई के ऊंट पे बैठ के गए थे, हैं? मुझे बताएं, बुराक पे गए थे यार, आप जवाब नहीं देते हो ना, इसलिए अब मैं फिर जैसा मेरा दिल करेगा मैं वैसी बात करूंगा। बुराक पे उड़ के गए थे दुबई या जहाज पे गए थे? आप कह रहे हो मेडिकल साइंस के अलावा आपको कोई फायदा नहीं हुआ है? ये उधर दुबई में कौन सी गंदम उगती है जो खा रहे हो? दुबई में कौन सा चावल उगता है जो खा रहे हो भाई मेरे? हैं, मुझे बताओ ना, दुबई में आपको मैं कहता हूँ कि अगर अगर आज का मॉडर्न जमाना ना होता, नहीं आप जवाब नहीं देते हो ना, फिर अब मेरी मर्जी है मैं आपके साथ कैसा सलूक करूं। मैंने आपको कहा है ना, बात यह है कि अगर आप आज दुबई में रहते हैं और आज ये जवाब ना होते भाई, आप जवाब देंगे तो मैं चुप करूंगा, ठीक है? हाँ, आप जवाब नहीं देते हो ना। अगर आज ये जहाज ना होते, आप कह रहे हो साइंस का आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आप मिडिल क्लास को हैं, जहाज ना होते तो ये दुबई में आपने सिर्फ ऊंटों का पेशाब भी पीना था और क्या करना था आपने, बताएं मुझे? उधर तो कुछ उगता ही नहीं है भाई, यहाँ तेल पी सकते थे आप, जिंदा रह सकते थे तेल पी के। अब आपकी बात कंप्लीट होगी, ये मैं बोले जी बोले आपने और क्या बोले, मैं बोलूं अब? हाँ जी, हाँ जी, बोले हैं आपसे, एक बात कंप्लीट नहीं होती। नहीं, मैं बोले जी, सुनिएगा, फरमाएं जी, हजूरे हजूरे आला फरमाएं, हजूरे वाला बात माने। हाँ हजरत, हजरत मौलाना एथियत साहब, आप हमारे भी सुन लिया करें यार, हजरत मौलाना एथियत रहमतुल्लाह। चलें जी, चलें जी, ठीक है, सही है। अब आप तो खातिमुल नबीन है, आप तो रसूल अल्लाह के भी अब्बा जान है। मैं तो छोटा मोटा मौलवी हूँ ना, आप तो रसूल अल्लाह के भी डैडी हैं। दो मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ सर, आप जो हैं, चलें जी, अब देवल हैं हजरत, फूल फूल बरसाएं आप अपनी जुबान से, आप आगे चल रहे हैं, मेरे पास सुने, आपने मेरे दो, अब मैं आप मेरे सवाल अपने सवाल कितने हैं जवाब सर, आप सवाल कितने हैं जवाब देते जाए मेरे से, ठीक है? आपने कहा जी क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ब्लैक होल्स का और गैलेक्सीज का पता था। मैंने कहा जी कायनात के अंदर सब चीज़ जब आ जाती है, एक मजमुआ होता है उसके अंदर सब चीज़ आ जाती है, उसमें आप जब घुसोगे तो फिर आपको पता चलेगा हमें गैलेक्सी चलो। मैंने कहा ठीक है, ये दो मिनट के लिए मान लिया कि नहीं पता था, अब ये मेरा जवाब आपको मिल गया, फर्ज करें, ठीक है? अब मैंने उसके ऊपर आपसे एक काउंटर क्वेश्चन किया, मैंने कहा ये जो आप डिस्कवरीज कर रहे हैं कि इतनी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और उनका अपना सोलर सिस्टम है और ये सियाह हैं, इसका इंसानियत जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर नासा खर्च कर रहा है, दूसरे मुल्क खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, खर्च करने की बजाय अगर आप इंसानियत पर खर्च करें तो क्या दुनिया से गुर्बत ख़त्म नहीं हो जाएगी? क्या मेरे तबके को कोई फ़ायदा नहीं होना है? वो पैसा मनी है, ठीक है? हाँ, तो आप ये बता दें कि हाँ जी कल को हम मरीज के ऊपर यार आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, अपना अपनी जगह ठीक करो भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी आ रही आप यार, अपनी लोकेशन ठीक करें, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही। हेलो हेलो, आपकी आवाज, हाँ जी हाँ जी, हजरत मौलाना गालिब कमाल साहब को आपकी आवाज नहीं आ रही यार। यार देखो, आपका अल्लाह तो इतनी उसकी कुदरत नहीं है कि वो ये आपका इंटरनेट ही ठीक रख सके कि आप मुझसे बात कर लें, हैं? देख लें, देख लें, मुल्हदों की साइंस ने आपका इंटरनेट खराब कर दिया, अब आप बात भी नहीं कर सकते। आप उनकी है मतलब माइंड कहते हैं ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जिन सवालों का आपके पास भी जवाब नहीं है। मैं आपके पास ना बिग बैंग का कोई सबूत है, ना आपके पास कोई और किसी चीज़ का सबूत है कि बिग बैंग कब हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ का आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। जस्ट ये वो आपकी यार, आपकी आवाज नहीं आ रही यार, मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं आपसे बात करूं मगर आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, ठीक है? आपकी आवाज चेंज करता हूं मौलाना साहब, मौलाना साहब जल्दी चेंज करें, अभी आ रही आवाज आपकी हजरत साहब? हाँ जी, अभी आ रही है आवाज जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मौलाना साहब अभी आवाज आ रही है?
नहीं नहीं मैं भाई नबी हूँ, मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं नबी हूँ, ठीक है। हाँ, आपसे जो बात है, मैं वो नबी हूँ जिसके सामने रसूल अल्लाह की कोई औकात नहीं है। अच्छा, साइंस का क्या फायदा है? तो यार मैंने आपसे पूछा था ना, ये जिस फोन पे बात कर रहे हो, क्या ये रसूल अल्लाह दे के गए थे आपको? वो तो बिल्कुल नहीं है, वो तो मुझे पता है। जिस जहाज पे गए थे वो क्या आपको रसूल अल्लाह ने दिया था कि साइंस ने दिया था, बताओ जरा। हैं, वो किसी किसी मौलवी का डंडा तो नहीं था ना जिस पे बैठ के आप दुबई गए थे? हैं, सही है, ठीक है, जहाज था ना, किस कंपनी का था? बोइंग का होगा, हैं, या एयरबस का होगा, और किसका था? वो तो किसी इस्लामी मुल्क में भी नहीं बनाया गया जिस पे आप गए थे, वो तो काफरों की जहाज है। अच्छा, साइंस का क्या फायदा है भाई? साइंस का फायदा यही है कि आज से तकरीबन 100-110 साल पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन हुआ था, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिससे बना था, उसकी वजह से आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है। बिजली भी साइंस ने दी है, रसूल अल्लाह के ऊंटों की तशरीफ से बिजली नहीं निकलती, ठीक है, हजरत अली की तलवार से भी नहीं निकलती, ज़ैद बिन हारिस की तलवार से भी नहीं निकलती, ठीक है, किसी मोमिन किसी किसी पीर बाबे की तशरीफ से भी बिजली नहीं निकलती, बिजली निकलती है साइंस से, ठीक है, साइंस का ये फायदा है। अब मुझे बताएं ना, जितना खर्चा आप कह रहे हैं कि लोग साइंस पे करते हैं, भाई मुसलमान भी तो हज पे फजूल पैसे खर्च करते हैं, साइंस का तो फायदा है, हज का तो कोई फायदा भी नहीं है, सवाए जाके अरबियों की तशरीफ के नीचे सजदा करने के, हज का तो कोई फायदा ही नहीं है, मुझे बताएं। मेरे ख्याल में हज जो है वो साइंस से तो बहुत फजूल चीज है वैसे, है कि नहीं, मुझे बताएं हज, हज के फायदा मुझे बताएं, हज का इंसानियत को क्या फायदा है? मकसद ही पता नहीं है ना आपको। ये देखे ना, मैं जब कोई बात करता हूँ आपका इंटरनेट खराब हो जाता है, देख लें ये मुल्हिदों की साजिश है ना यार। चले यार, मुस्लिम वर्सेस एथियस्ट यार, पहले अपना इंटरनेट ठीक करें, फिर बात करें, अल्लाह से दुआ करें, कोई किसी पीर शीर को फोन करें, आपका इंटरनेट का सही करने का आपको वजीफा बताए, कोई कुरान की आयतें शायद पढ़ें और फूका करें पहले मोबाइल पे, ताकि इंटरनेट खराब ना हो, ठीक है। हाँ, इंटरनेट आपका ठीक नहीं है भाई, है सही है, चलें फिर इंटरनेट अपना ठीक करें, मैं आपको स्टूडियो में रहने देता हूँ, फिर आ जाना।